हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे एजुकेशनल चैनल पर। दोस्तों, अगर आप एजुकेशन फील्ड से आप टीचर हैं, किसी भी सब्जेक्ट के टीचर हैं या आप एचओएस हैं, तो आपको चाकिट एप्लीकेशन के बारे में पता होना चाहिए। आज मैं बात करने वाला हूं आपसे चाकिट जो एप्लीकेशन है उसके बारे में। और फिलहाल यहां पर ऑनलाइन कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम जो कि ट्रेनिंग है एससीईआरटी की तरफ से सभी टीचर्स के लिए, सभी एचओएस के लिए, तो उसमें कैसे इनरोल्ड करना है, कैसे अपना आपने उसमें फॉर्म फिल करना है, तो ये वीडियो आपके लिए पूरा स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए अपने बाकी दोस्तों के साथ ताकि वो भी जल्दी से इसमें अपने आप को इनरोल कर पाए। तो चलिए चलते हैं। सबसे पहले आप जाएंगे प्ले स्टोर पे, और मैं प्ले स्टोर पे हूँ। यहाँ पर आप जाएंगे सर्च बॉक्स में, और सर्च बॉक्स में आप सर्च करेंगे चाकिट। जी हाँ, चाकिट आप एप्लीकेशन, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सबसे टॉप में ही यहाँ पर आ जाएगा। आप इसे ओपन करें और यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस नजर आएगा। मैंने इसे इंस्टॉल कर लिया है, आपके पास इंस्टॉल करने के लिए आएगा, तो इंस्टॉल कर लीजिए। उसके बाद इसे ओपन करेंगे, तो ओपन करने के बाद आपके पास ये देखिए कुछ इस तरह से ऑप्शन आएगा लैंग्वेज के लिए सेलेक्ट करने के लिए। तो आप चाहे तो इंग्लिश कर दीजिए, हिंदी कर दीजिए, या आप उड़िया कर लीजिए। तो मैं यहाँ पर इंग्लिश को कर लेता हूँ, आप इंग्लिश को ही कर लीजिए। एंड देन यहाँ पर नीचे कंटिन्यू का ऑप्शन है, तो आप कंटिन्यू में क्लिक कर दीजिए। उसके बाद आपके पास एक अलग मैसेज आएगा चाकिट की तरफ से, तो आप इसे कंटिन्यू कर दीजिए। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पर आपसे अलाउ करने के लिए आएगा, और एक यहाँ पर मोबाइल नंबर आपको एंटर करना होगा जिसपे की आपका ओटीपी आएगा। तो मैं अपना मोबाइल नंबर डाल लेता हूँ, अपना डाल लीजिए। और यहाँ पर आप उसके बाद करेंगे, दोस्तों मैंने अपने मोबाइल नंबर डाल दिया है, उसके बाद यहाँ पर ओटीपी आएगा। तो ओटीपी जो आ चुका है और वो यहाँ पर एंटर कर दिया है, तो उसके बाद ये वेरीफाई कर रहा है और वेरीफाई इसमें, और ये देखिए आपका जो प्रोसेस है वो ओके हो चुका है। और इसे फिर से आप अलाउ कर लीजिए, और ये आपका एप्लीकेशन इंस्टॉल हो गया है। यहाँ पर देखिए कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन होंगे, आप उन्हें पूरा कर लीजिए। चाकिट को यहाँ पर ओके कर लीजिए, और ये आपका एप्लीकेशन यहाँ पर इंस्टॉल हो चुका है। तो चलिए, ये एप्लीकेशन ओपन हो चुका है, और उसके बाद यहाँ पर हम नीचे जाएंगे होम, बगल में यहाँ पर ट्रेनिंग लिखा हुआ, तो आप ट्रेनिंग में क्लिक कर दीजिए। ट्रेनिंग में क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक फॉर्म आपके पास ओपन होगा, थोड़ी सी आपकी डिटेल मांगी जाएगी। तो उसके बाद यहाँ पर देखिए इनरोलमेंट ओपन है, यहाँ पर इस पर आप क्लिक कर दीजिए। तो एक फेज आपके पास वेरीफाई और प्रोफाइल डिटेल टू कंटिन्यू, तो यहाँ पर एक प्रोफाइल डिटेल आपके पास, पर्सनल डिटेल, आपका स्कूल, आपकी डिस्ट्रिक्ट, आप किस स्टेट से हैं, किस कंट्री से हैं, सब कुछ यहाँ पर ओपन होगा। आप अपने नाम वगैरह इसमें एंटर कर दीजिए। तो देखिए यहाँ पर ये इंडिया लिखा हुआ है। यहाँ पर एडिट में क्लिक करेंगे, तो एडिट में क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए सबसे ऊपर ही में यहाँ पर आ रहा है चूज स्टेट, तो आप स्टेट चूज कीजिए। तो स्टेट हमारी जो है मैंने दिल्ली सेलेक्ट कर दिया। लोडिंग में थोड़ा सा टाइम लगेगा, आप धैर्य धारण कीजिए, धैर्य बनाए रखें। और उसके बाद देखिए क्या आपके पास नया, चलिए तो ये उसके बाद देखिए डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर आप क्लिक कर दीजिए, फिल कर दीजिए। तो डिस्ट्रिक्ट आपका जो भी है, आप अपने डिस्ट्रिक्ट के अकॉर्डिंग, चलिए देखिए उसके डिस्ट्रिक्ट ओपन कर दिया। उसके बाद यहाँ पर देखिए जोन है, तो आप जोन में भी आप क्लिक कर दीजिए, और जोन ही आपका बताइए कि आपका कौन सा जोन है। तो जो भी आपका जोन है आप उस पर क्लिक कर दीजिए, और क्लिक करने के बाद ये फिर से लोडिंग लेगा थोड़ा सा टाइम, जो भी इसमें लोडिंग पे है। और उसके बाद यहाँ पर देखिए ये लिखा हुआ वर्क डिटेल, तो ये स्कूल वगैरह डिटेल है। यहाँ पर आप एडिट कर दीजिए, एडिट में आप अपने स्कूल का नाम यहाँ पर टाइप कीजिए, तो आपका स्कूल का भी यहाँ पर ओपन हो जाएगा। और इतना करने के बाद ये सर्च करेगा जो भी स्कूल है, और उसके बाद आप अपने स्कूल को इसमें एंटर कर दीजिए। चलिए तो मैंने अपने स्कूल का भी कर दिया। उसके बाद नीचे यहाँ पर और एक ऑप्शन है, यहाँ पर देखिए सर्टिफिकेट डिटेल, तो सर्टिफिकेट बनेगा इसमें आपने अपने नाम के लिए। यहाँ पर देखिए चूज सॉल्यूशन, तो आप मैंने मिस्टर यहाँ पर लिख दिया। उसके बाद देखिए यहाँ पर आपका एक नाम के लिए सर्टिफिकेट में जो नाम है क्या चाहते हैं आप, तो यहाँ पर आप अपना नाम लिख लीजिए, जो भी आपका नाम है वो आप लिख दीजिए। यहाँ पर मैंने अपना नाम लिख दिया, और उसके बाद इसमें ओके कर दीजिए। बस यहाँ पर देखिए वेरीफाई के लिए ऑप्शन होगा, और वेरीफाई करने के बाद यहाँ पर आप सबमिट कर दीजिए, और ये लोडिंग में फिर से थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो थोड़ा सा देखिए आप। देखिए यहाँ पर एक कोड आएगा, तो आपसे कोड पूछेगा एक्सेस कोड, तो एक कोड दिया हुआ है फॉर्म में। तो चलिए मैं बताता हूँ इस कोड में आपको क्या भरना है। तो कोड में आप भर दीजिए ECPENG, फिर से देख लीजिए कैपिटल में होंगे ECPENG, तो आपने ये एंटर करना है, एंड देन फिर से ओके कर दीजिए। तो आपका फिर से थोड़ा सा टाइम और लगेगा लोडिंग में, और आपका लोड हो जाएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए कॉन्ग्रेचुलेशन का ऑप्शन आ गया है कि यू हैव सक्सेसफुली इनरोल्ड फॉर द ट्रेनिंग, प्लीज चेक द न्यू ट्रेनिंग इन। तो चलिए देखिए यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, उन क्वेश्चंस को भी आपको करना होगा, तभी आप उसके बाद इस ट्रेनिंग में एनरोल हो पाएंगे। तो फिर से चलिए यहाँ पे लिखा प्री टेस्ट, तो ये देखिए फिर से आपने इस पर क्लिक करना है प्री टेस्ट पे, और कुछ जनरल से क्वेश्चंस हैं उनको भी आपने फॉलो करना है, और उसके बाद आप इसमें एंटर हो जाएंगे, एनरोल पूरी तरह से हो जाएंगे।
तो प्री टेस्ट है, कोई नॉर्मल सी बात है, आप इसे अपने अकॉर्डिंग इस टेस्ट को आप कर लीजिए और उसके बाद क्या ऑप्शन आएगा। चलिए यहाँ पर कुछ तो आपका फिल है ऑलरेडी, नाम मोबाइल नंबर वगैरह, तो कुछ आपसे जनरली पूछा जा रहा है इसमें। देखिए तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस होते हैं जनरल से क्वेश्चंस, और उनके आंसर देने के बाद आप सबमिट बटन पर क्लिक करोगे। तो सबमिट बटन पर क्लिक करने के बाद आपके पास ये एक पेज जो है वो इस तरह से शो हो जाएगा, प्री टेस्ट एलिमेंटेनिंग कॉर्पोरल पनिशमेंट। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं व्यू नेस एक्यूरेसी, तो आपने जो जो भी लिखा है उसका सही क्या है। तो ये था आपके पास फाइनली आपका जो फॉर्म है वो सबमिट हो गया है। तो आपने इस तरह से अपने फॉर्म को सबमिट करना है और इसके बाद आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी। कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट में जरूर पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले नए टॉपिक में, धन्यवाद।